हेलो माय स्वीट स्वीट फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मेरा काम तो है ना बहुत धीरे धीरे हुआ, क्योंकि आज मैं है ना बहुत लेट उठी थी। 5:30 बजे उठी थी, फिर पानी भर के वापस सो गई। फिर हस्बैंड तो है नहीं, मैं और बेटा ही है, तो कल मैंने काफ़ी हद तक बहुत सारा काम कर लिया था रात में ही, तो मैंने कहा सो जाते हैं आज। तो मैं पता है आपको 10 बजे उठी हूँ। फिर मैंने नाश्ता बनाया, फिर मैंने सारा काम किया, कपड़े मैंने अंदर ही डाल दिए क्योंकि मकान मालिक के कपड़े बाहर सूख रहे थे, तो फिर जगह नहीं थी तो मैंने अंदर ही डाल दिया। अरे यार मेरा, हाँ अब सही साफ़ आ रहा है। तो आपको मेरे मेरे बेटे से मिलाती हूँ, ये बेटी भी है, मेरा बेटा भी है। ये देखिए कैसे सर रख के सो रहा है मेरे तकिए पे, है ना। और पता है रोज़ कुछ ना कुछ नया करते ना घर के अंदर, कुछ कहीं से कुछ क्लीन या कुछ अलग, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही है ना, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हटानी है ना, उसे हमें क्लीन करनी है। तो देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा उसे रोज़ देखिएगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, गलत बातें हैं, तो उसे अपने जीवन से हटाइए। और है ना, तो जब आप हटाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपको घर में कुछ नया करते हैं ना, कुछ भी एक कॉर्नर का क्लीन करते हैं या चेंज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए गाइस, मैं है ना आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ। तो ये नीचे से है ना ग्रीन बैंगन दिए थे, तो मैं इसको बना रही हूँ। और हम मेरे को और अभिनव को है ना इसको चावल के साथ ही अच्छे लग रहे, तो अच्छे लगते हैं, तो चावल बन रहे हैं मेरे वहाँ पे, है ना। फिर खाना तो मेरा बन गया, क्लीनिंग भी सब हो गई। तो ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा किचन, हालांकि किराए का है लेकिन सभी किराए के ही है यार, क्योंकि घर का मकान भी तो हम साथ थोड़ी लेकर जाएंगे। तो जो किराए पे रहते हैं ना उनको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि जैसा भी है आपका घर है, तो देखिए पोछा कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि है ना ये आधा हॉल का पोछा लगाया है मैंने, आधा अभी बाकी है। ये चिकलू तंग करने लग गया था ना, ये भी तो एक बच्चा है मेरा, ये तंग करता है। तो कपड़े देखिए सूख रहे हैं मेरे, और सब क्लीन कर दिया है मैंने। ये वाला रूम और बेडरूम को तो है ना रोज़ इतना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखो कुर्सी मैंने ऊपर रखी है क्योंकि मैंने पोछा लगाया था ना इसलिए। तो गाइज ठीक है, यही कहना चाहती हूँ आज की दोपहर में कि आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी अगर बात है जो है ना आपके जीवन को सही दिशा पे नहीं लेके जा रही है, तो उसे भी है ना रोज़ की रोज़ क्लीन करिए। ऊपर वाले से पूछिए ऐसी क्या बात है तो वो आपको बताएगा। तो मैं भी डेली हम करते हैं क्लीनिंग घर की, तो आत्मा की भी क्लीनिंग करनी चाहिए, शरीर की भी क्लीनिंग करनी चाहिए। तो यही था गाइस, और है ना आप लोग खुश रहिए। और आप लोगों के वीडियो मैं देखती हूँ, कभी कभी कमेंट नहीं कर पाती हूँ, सॉरी गाइस। और बहुत दिनों से बहुत लोगों के वीडियो नहीं देख पाई हूँ, नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, तो क्या मालूम क्यों नहीं आता। तो मैं ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ और फिर देखती हूँ, है ना। तो आप लोग भी मेरा वीडियो वॉच करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके परिवार को खुश रखे। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं दिन भर की या आने वाले समय में, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, मेरी दुआ है कि वो सब पूरी हो अपने समय पे। और कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं, कभी भी निराश मत होइए, कभी भी है ना अविश्वास अपने जीवन में मत लेकर आइए। सब कुछ होता है ना, बाइबल में लिखा है कि बुराई में भी भलाई छिपी रहती है। तो ठीक है गाइज, यही था आज का। तो अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, और लोगों की सहायता मदद करते रहिएगा जैसे भी आप कर सकते हैं। तो गाना गाना चाहती थी लेकिन है ना अभी एकदम से कुछ याद नहीं आ रहा। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।